जनसुनवाई के दौरान घर से बेदखल किए गए 20 लोगों का परिवार पहुंचा कलेक्ट्रेट। कलेक्टर के पास लगाई न्याय की गुहार। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई में नई गढ़ी निवासी निर्मला साकेत अपनी शिकायत लेकर अपने परिवार के साथ पहुंची। निर्मला का नई गढ़ी में 20 लोगों का परिवार है जो काफी समय से वहां रह रहा है, लेकिन गांव के ठाकुरों के द्वारा उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया है, जिसकी शिकायत लेकर निर्मला देवी और उनका परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा। तो वहीं अभी रीवा कलेक्टर ने गेहूं खरीदी की निर्धारित तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी है, फिर भी खरीदी केंद्र के अधिकारियों के सामने कलेक्टर के दावे भी फेल नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में महेश शर्मा अपने गेहूं के रजिस्ट्रेशन ना होने की शिकायत लेकर पहुंचे। कलेक्टर के आदेश के बाद भी अधिकारी गेहूं की खरीदी नहीं कर रहे हैं। सर, मेरा नाम निर्मला साकेत है, मैं नई गढ़ी थाने से आई हूँ। हम लोगों को मार पीट के घर से निकाल दिया गया। हम लोग कमारगत के रहने वाले हैं और हम लोग को ठाकुरों ने बसाया था। जब वो हम लोगों को अब घर में घुस घुस के हम लोगों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं और हम लोगों को घर से बाहर मार पीट के निकाल दिया। हम लोग बच्चे लेके 3-4 दिन से भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे थाने में, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैं 14 क्विंटल गेहूँ 25 तारीख को 10:30 बजे रात और टोकन की हुई अभी 12-16 जिसमें मिला तो पहले मेरे पास में कुछ भी नहीं। आपने टोकन की जबकि 25 तारीख को ऑलरेडी मैं बेच और उसमें पूरा उनकी एंट्री भी है, जो इनके आदमी हैं ये यहाँ पे पूरा एंट्री किए थे। उसके बावजूद भी मेरा कहते हैं पूरा बंद हो चुका है, अभी आप खरीदी नहीं कर सकते, हम लोग परेशान हैं। कलेक्टर में से मिले आज बालन शुक्ला जी से क्या बोला? जिला नहीं है, बोले मेरे पास का कुछ नहीं, आप ले जाओ समझ से बात। हमका एंट्री मैंने करवाया है, आपके पल्लेदार जो भी कर्मचारी थे उन्होंने लिखा है, तो उनकी गलती है कि उनको एंट्री करना चाहिए था, मेरी गलती थोड़ी है। मैं 25 तारीख को आपके डेट को पहले दिन पहले दे चुका तो हमको टोकन की क्या जरूरत? अभी तो 31 तारीख तक है ना डेट, ये जानकारी बोल रहे हैं 26 तारीख को सब बंद हो गया। जो 26 तारीख को 12 बजे रात तक टोकन लिया है बस उसी की जरूरत पड़ी है। 26 को बंद कर दिया गया? हाँ, जबकि कलेक्टर मैडम ने 31 तारीख तक का डेट दिया है। हाँ, वो धोखा है, बोले आप पेपर नहीं पढ़ते। हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। आप आदमी किसान किस तरह से मेहनत करके गल्ला पैदा करता है, उसके बाद यहाँ आए तो आज 10 दिन से तो हम लोग परेशान थे, किसी तरह काम नहीं हो पाते। अपने से पल्लेदारी करवाते थे, अपने से सिलाई का पैसा देते थे और उसके बाद जब लास्ट समय आया और उसके बाद बोले हैं कि आप पर चढ़ेगा नहीं, आपका पोर्टल भोपाल से बंद हो चुका है। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं।